नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और मैं एक और वीडियो के साथ लेके आया हूँ। और आज इस वीडियो में आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें आपको जो सिग्नल क्वालिटी है तो क्वालिटी एक भी नहीं बढ़ रही है। जो स्टेंट है तो स्टेंट की 21% बता रहा है, मगर इसमें आपके कोई भी चैनल्स नहीं चल रहे हैं। चैनल्स जो आपके हैं तो पूरे नो सिग्नल करके चैनल्स बता रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे सभी चैनल्स नो सिग्नल बताते हैं। तो इसको कैसे आपको बनाना है और इसको कैसे सही करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी लेके आया हूँ कि कैसे आपको सही करना है और उसको आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके MPG2 सेटअप बॉक्स में सेटिंग्स में आ जाना है। तो आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके बाद आपको आ जाना है सेटअप प्रोग्राम पे, ओके करना है। सेटअप प्रोग्राम पे आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू प्रोग्राम में सेलेक्ट कर लेना है। ऐड न्यू प्रोग्राम में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो टीपी है, तो टीपी आप देख सकते हैं कि 0.50 डला हुआ है और इसमें जो टीपी डली हुई है तो 29,499 और ये सभी डली। तो ये टीपीओं को जो अपने को है तो बदल के रखना है, दूसरा करना है। तो आप इसमें 10,600 भी कर सकते हैं और 51,050 भी कर सकते हैं, 0.5150 भी कर सकते हैं। ये जो टीपी है तो इनको भी आप बदल सकते हैं। तो इसमें आपको डालना पड़ेगा 11,510 और फिर इसके बाद आपको डालना पड़ेगा 29,500 ये डाल देंगे। और आपका प्रायोरिटी जो रहेगा तो वी रहेगा। और 22 के ऑफ रखना है, इसको भी ऑफ, डिस स्विच को भी ऑफ रखना है, स्कैन मोड को ऑल रखना है। और इसमें अब करना क्या, ओरिजेंटल नहीं करना है, वर्टिकल ही रखना है। वर्टिकल करने के बाद आपको फिर इसके बाद इसमें आपको देख सकते हैं कि ये टीपी आपको इसमें डालनी है। तो टीपी आप देख सकते हैं, इसमें आप यदि चेंज कर सकते हो तो चेंज भी कर सकते हैं, 51,050 भी कर सकते हैं या 10,600 भी कर सकते हैं दोनों में। और इसका 11,510 भी कर सकते हैं, 29,500 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अब चलना डिस्क की ओर। और डिस्क की ओर चलने के बाद उसको कैंडिड से सिग्नल को सेट करना है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं छत की ओर और आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी NLB पोजीशन है तो NLB पोजीशन को आपको इस तरह से रखनी है, इतने में इस तरह से रखनी है, सीधा एकदम से नहीं रखना। यदि आप सीधा रखेंगे तो आपका सिग्नल जो है तो सिग्नल नहीं आएगा। आपको कुछ NLB को इस तरह से रखना है, NLB को इतने में आप देख सकते हैं सामने से आपको कितना करना है, NLB को इतने में आपको इसको रखना है। इसको रखने के बाद आपको छतरी को, छतरी के पीछे आ जाना है। छतरी को आपको क्या करना है कि आपके जो पूर्व हो गया और दक्षिण हो गया, पूर्व और दक्षिण के बीच में डिस्क को आपको हल्के हल्के से आपको घुमाना है। और जैसे ही हल्के हल्के आप घुमाएँगे तो एकदम से सीधा नहीं घुमा देना छतरी को, ऐसे करके एकदम हल्के हल्के ऐसे करके घुमाना है। और घुमाने के बाद जो आपका डिस्क का सिग्नल होगा तो डिस्क का सिग्नल आपका आ जाएगा पूरी तरह से। तो इस तरह से आपको डिस्क को सेट कर देना है। ये मेरा सेट हो गया है और चलते नीचे की ओर और देखते हैं कि मेरा सिग्नल कितना आ रहा है इसमें। तो चलते नीचे की ओर और आपको सिग्नल दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नीचे की ओर आ चुका हूँ और आप जैसे देख सकते हैं इसका सिग्नल जो है, तो सिग्नल आपका इसमें करीब करीब आपका जो है तो 44, 44, 41 के करीब इसका सिग्नल क्वालिटी इसमें बता रहा है। और आप बॉक्स में भी देख सकते हैं कि 43, 41, 44 के करीब इसमें सिग्नल क्वालिटी आपका बता रहा है। और इसके बाद आपको पूरे चैनल्स नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, बैक होना है। और बैक होने के बाद आपको इसमें आ जाना है ऑटो स्कैन पे। और ऑटो स्कैन पे आने के बाद आपको यहाँ पर से ऑटो स्कैन पूरी तरह से कर देना है। आपको यहाँ से 3 से 4 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद जब आपका ऑटो स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैनल्स आ जाएगा, तो सभी आपको चैनल को सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद सब आप सभी चैनल्स को उसको देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटो स्कैन हो रहा है, ऑटो स्कैन आपके 40। तो ये देख सकते हैं कि चैनल लिस्ट इसमें आ चुकी है। चैनल लिस्ट आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल 18 चैनल सभी आए हुए हैं। अभी भी ऑटो स्कैन हो रहा है, 36 के करीब 36 चैनल्स आ चुके हैं इसमें। तो इस तरह से आप अपने MPG2 सेटअप बॉक्स में जीरो सिग्नल और स्टैंड क्वालिटी जीरो बता रहा है, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, आप उसको कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं आपको नई नई वीडियो बना के देता रहूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इस पर इतने चैनल्स हो चुके हैं। तो ये आपको ऑटो स्कैन कंप्लीट कर लेना। ऑटो स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपको चैनल्स को दिखाते हैं कितने चैनल्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें ऑटो स्कैन हो चुके हैं और टोटल 164 चैनल्स हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें 94, 96 करीब ऑटो स्कैन कम्प्लीट हो चुका है और ये चैनल सेव भी हो गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि चैनल्स भी आपके चल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने MPG4 सेटअप बॉक्स में
MPG2 सेटअप बॉक्स में आपको चैनल्स यदि नहीं चल रहे हैं और जीरो इंस्टेंट और क्वालिटी बता रहा है तो कैसे आप उसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही जानकारी दी है। तो वीडियो में सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।